दोस्तों गूगल क्रोम का ये जो हिडन गेम है डायनासोर्स गेम, ये डेफिनेटली आप अपने फोन पे या फिर अपने लैपटॉप पे जरूर खेले होंगे। इसमें क्या होगा कि ये गेम आप तभी खेल सकते हो जब आपका फोन या फिर लैपटॉप इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है, मतलब उसमें जब इंटरनेट नहीं चलेगा तो ही आप इस गेम को खेल सकते हो। इसमें क्या होगा कि जस्ट आप इसको प्ले करने के लिए आप उसको डायनासोर पे क्लिक करना, अगर आप अपने फोन पे खेल रहे हो तो ये जंप करना स्टार्ट करेगा, और जितना लंबा टैप करोगे उतना, मतलब प्रेस जितना ज्यादा देर तक करोगे उतना लंबा जंप करेगा, हल्का सा प्रेस करोगे तो हल्का सा जंप करेगा। और यहीं अगर डेस्कटॉप की बात करो तो डेस्कटॉप पे अगर आपको स्पेस दबाना है तो ये जंप करना स्टार्ट हो जाता है, ये जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये गेम तब तक चलेगा जब तक आपके फोन में आप या फिर आपके लैपटॉप में इंटरनेट एक्सेस ना आ जाए, तो इस गेम को आप इजीली खेल सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट का इस ब्राउजर उसके अंदर भी एक हिडन गेम है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है सर्फ, और उस गेम को आप कैसे अपने माइक्रोसॉफ्ट इस ब्राउजर के अंदर खेल सकते हो, तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है उसमें जो हिडन गेम है सर्फ के नाम का, उस गेम को कैसे आप अपने डेस्कटॉप पे प्ले कर सकते हो, तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये जो ब्राउजर दोस्तों आप सिंपली गूगल में जाकर सर्च करके माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से इसे डाउनलोड कर सकते हो, और जस्ट उसके बाद सेटिंग में मैं आपको जाता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो मैं सेटिंग में जाकर एक बार चेक कर लेना आपको कि जो आपका ब्राउजर है अप टू डेट है या नहीं। और हालांकि आप देख सकते हो ये चेकिंग फॉर अपडेट लिख रहा है, और ये अभी 83 वर्जन है इसका, तो आप देख सकते हो ये अप टू डेट है मेरा। जस्ट आपको वापस से जाना है यहाँ पे, इसकी URL में आपको लिखना है एज, फिर कॉलन लगाना है, डबल स्लैश लगाना है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है SURF। जहाँ इसको लिख के इंटर करोगे तो आप देख सकते हो ये इसका जो गेम है, जो हिडन गेम है वो ओपन हो चुका है। और आप एक बार यहाँ पे भी देख लो कि जो इसका जो इंटरनेट, मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ कि ये जो गेम, इसके लिए आपको कोई इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपके लैपटॉप में इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप इस गेम को खेल सकते हो इजीली। तो आप देख सकते हो मैंने इंटरनेट अपना ऑफ कर दिया, और आप देख सकते हो इधर उधर करके अपना राइट लेफ्ट करके आप इसे खेल सकते हो, और स्पेस से पॉज हो जाता है, और एरो जो है आपका लेफ्ट और राइट एरो से ये जो इधर उधर आपका मूव करेगा, या फिर अगर माउस का यूज़ करो तो माउस को भी इधर उधर घुमाओगे तो ये काम करता है। और इसमें एक आपको ऑप्शन मिल रहा है लाइक अगर आप कहीं आपको यहीं पे रुकना है तो जिस अप एरो प्रेस करोगे तो ये वहीं का वहीं स्टैंड हो जाएगा, मतलब बोर्ड पे ही खड़ा हो जाएगा अपना ये जो सर्फ बोर्ड है इसका। तो सिंपली ये जो गेम है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है अगर आप प्ले करते हो तो, और लाइक जैसे कि गूगल के क्रोम में ये जो गेम आपको मिलता है जिसका नाम है डायनासोरस वाला गेम जिसमें जंप करना है, और ठीक उसी की तरह ये भी गेम है, इसमें भी सर्फ वाला गेम है, इसमें भी कोई आपको लिमिट नहीं कि कितने लेवल तक जाना है, जस्ट आप जितना खेल सकते हो खेल लो। और ये जो बूस्ट है, इसको बूस्ट करने के लिए या तो अपने माउस से डबल क्लिक करके इसे बूस्ट कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड का F बटन प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक बूस्ट है जो मैंने अभी यूज़ कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से आप इस गेम को ईजिली प्ले कर सकते हो अपने लैपटॉप के अंदर। हालांकि दोस्तों ये जो गेम है आपके मोबाइल वर्जन वाले जो माइक्रोसॉफ्ट एज है उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इसका अभी अपडेट नहीं आया है। अगर मे बी इन फ्यूचर आ भी सकता है इसका अपडेट, तो आप उस गेम को ईजिली अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे भी इंजॉय कर सकते हो, हालांकि अभी डेस्कटॉप वर्जन के लिए ही है। और यहाँ पे दोस्तों और भी फीचर है, लाइक अगर एज वर्जन आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसका पूरा वर्जन और डिटेल आपको दिखेगा, और एज URL लिखोगे तो पूरा डिटेल आप देख सकते हो, जितने भी इसके URL हैं सब कुछ मिलेंगे आपको। जस्ट अगर आपको हिस्ट्री पे क्लिक देखना है तो हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो जो इसकी हिस्ट्री है आपके ब्राउज़र में जो भी आप यूज़ किए हो वो सारा डिटेल आपको दिखाएगा, मतलब एक तरीके से शॉर्टकट है, आप अपने ब्राउज़र के अंदर ही सब कुछ देख सकते हो, एक्सटेंशन देखना हो या डाउनलोड्स देखना हो जो भी चीज़ें, आप पूरा का पूरा URL आप देख सकते हो यहाँ पे, शॉर्टकट्स है आप इजीली वहाँ से देख सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों ये जो का माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउज़र है जो डेस्कटॉप वर्जन के लिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर्स आ रहे हैं, नए नए अपडेट्स भी आ रहे हैं, तो इस पर मैंने पहले ही जो वीडियोस बना रखा है, अगर आप अपने फ़ोन पे इसे यूज़ करते हो तो इसके क्या क्या फीचर्स उसमें आपको मिलेंगे और क्या क्या एडवांटेज है, तो उसका ये जो लिंक मैं कार्ड में दे दूंगा ऊपर, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन का यूज़ करने का क्या आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो। तो दोस्तों ये जो डेस्कटॉप वर्जन भी काफ़ी ज़्यादा इसका मस्त हो गया है, क्योंकि पहले जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर था वो थोड़ा उसमें फीचर्स की कमी थी, और अब तो ये पूरा गूगल क्रोम को टक्कर दे रहा है और उसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव बन चुका है आज के समय में। तो और भी इन फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आप लोग कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहता हूँ।